आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जो समय के साथ नहीं चला वह पीछे छूट गया। आज की इस बिजी लाइफस्टाइल में थकना मना है, रुकना मना है, लेकिन यह तब तक संभव है जब तक हम स्वस्थ हैं, हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी एंड वेल्दी है। इसलिए अपने आप को फिट रखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कड़ी मेहनत कर पसीना बहाते हैं और जब महीनों के अथक प्रयास के बाद उन्हें अपने मन मुताबिक रिजल्ट मिलता है तो उनके चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलकती है। नमस्कार, मैं हूँ राखी खोसला। अब जब बात हो रही है खुद को फिट रखने की और हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ी हूँ एक पार्क के आगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह से लोग अपने हेल्थ को लेकर इतने कॉन्शियस हैं कि लोग यहाँ पर आपको रनिंग करते हुए नजर आएंगे, जॉगिंग करते हुए नजर आएंगे, योग करते हुए नजर आएंगे, छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। मैं साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त सुबह के 6 बजने को आ रहे हैं। हमने शूटिंग अभी स्टार्ट की क्योंकि इससे पहले अंधेरा था, लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ पर आकर कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि यहाँ पर लोग 4 बजे से आना शुरू कर देते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। और शायद यही वजह है कि वेद में भी कहा गया है कि सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना अच्छे सेहत की निशान है। तो चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे अच्छे सेहत की निशानी। लेकिन आइए सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं क्या है बॉडी फिटनेस। 5 बजे है बेस्ट है। अच्छा सर, मैंने यहाँ देखा आकर कि कुछ लोग योग कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो योग और एक्सरसाइज को अगर हम अलग अलग बांटें तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है योग या एक्सरसाइज? ऐसा है, योग थोड़ा सा ओल्ड एज के जो पर्सन है ना उनके लिए बेस्ट है, और एक्सरसाइज थोड़ा सा यंग ब्लड में आ जाता है, वो हार्डली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं इसमें। और सुबह उठने से ऐसा होता है कि जितनी बार हम यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं ना, वो उसका पर्सनल गेन होता है यहाँ पे। और जो दिनचर्या में हम जो भी अर्निंग करते हैं उसमें सभी फैमिली का वो होता है हिस्सा। एक योग एक्सरसाइज है जिस पर उसके पर्सनल अर्निंग पे कोई हिस्सा नहीं होता है, उसका अपना पर्सनल बेनिफिट होता है। इसलिए लोग यहाँ पे आके ना 5 बजे अपना सेल्फ बेनिफिट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी फिटनेस का मतलब है हमारे शरीर की आंतरिक और बाहरी रूप का स्वस्थ और सुंदर होना, और यह तभी संभव है जब हम अपने दिनचर्या में कोई भी शारीरिक क्रियाएं जिसे करने से हमारी हेल्थ और फिटनेस इम्प्रूव होती है को शामिल करें। बॉडी फिटनेस 2 लेवल पर होती है, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल। फिजिकल लेवल एक्सरसाइज जहां हमें शारीरिक क्रियाओं से जोड़े रखती है जिसमें सभी तरह के एक्सरसाइज शामिल हैं, वही मेंटल लेवल एक्सरसाइज हमें तन मन और आत्मा से जोड़े रखती है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग योगाभ्यास में लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सभी सदस्य 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के मेंबर हैं जो रोजाना यहाँ आकर योगाभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और खुद को फिट रखने के लिए तरह तरह के व्यायाम करते हैं। इतना ही नहीं, ये यहाँ पर आकर न सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे यमुनानगर में लोगों को जागरूक करते हैं खुद को फिट रखने के लिए और तरह तरह के अभियान चलाते हैं। तो चलिए जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो 2-4 क्वेश्चन इनसे भी पूछते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं जानना चाहती हूँ आज के जैसे जिस तरह के बिजी लाइफस्टाइल है उसमें खुद के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सभी अपने लिए समय निकालते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे यमुनानगर को भी जागरूक करते हैं फिट रहने के लिए। तो सर मेरा सवाल ये है कि योगा करने की, जब हम नया नया योगा सीखते हैं या हम किसी को योग की तरफ प्रेरित करते हैं तो क्या कुछ नियम होते हैं? नियम तो ये स्वस्थ रखने के लिए ही है, नियम तो कि हम फिट रहें, डॉक्टरों पे ना जाना पड़े हमें, हम जितना भी जिए स्वस्थ रहें जब तक जिए। सर योग करने के लिए जब कोई नया नया है, जैसे मैंने बात की कि कोई नया नया या तो अगर हम बच्चे की बात करते हैं, हम किसी बच्चे को प्रेरित करते हैं योग की तरफ करने के लिए, तो स्टार्टिंग की कितनी क्रियाएं हम उनसे करवाएं? पहले स्लो ही करनी पड़ती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता योगा अभ्यास से जितनी ज्यादा हो सके उतनी। आइए हम बात कर लेते हैं 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के फिटनेस ट्रेनर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि आपका 11 स्टार मॉर्निंग क्लब कितने साल से चल रहा है?
लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं इलेवन स्टार मॉर्निंग क्लब को ऑफिशियली रूप से चलते हुए, वैसे तो 15-20 साल से चल रहा है। अच्छा सर, इसमें कितने मेंबर होंगे? मेंबर 50 के लगभग हैं। और सर, क्या क्या अभियान यमुनानगर में आप लोगों ने कर चुके हैं? अभियान तो ये है, लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करते हैं, और इसके अलावा जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं समाज में, उनमें पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। सर, अक्सर यमुनानगर में 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के बारे में सुना जाता है कि ये लोगों को बहुत जागरूक करता है फिटनेस को लेकर। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि घर से निकलकर खुले वातावरण में आकर एक्सरसाइज करना सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल है, बावजूद जिम में जाकर एक्सरसाइज करना? ये तो आपको राखी जी पता ही होगा कि बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे, और हमारा तो ये संदेश है कि कोई भी बच्चा हो उसके अभिभावकों को चाहिए कि उसको एक घंटे के लिए किसी भी हालत में स्टेडियम में भेजे, किसी भी खेल मैदान में भेजे, वो किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करे, लेकिन करे ज़रूर। अगर किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता तो योगा करे, घर में बैठ के एक्सरसाइज करे, यहाँ तक कि सोकर उठे अपने बेड पर बैठ कर ही थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। तो सर ने जिस तरह से बताया कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए खुले वातावरण में अगर आप कर रहे हैं तो वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप छोटी मोटी एक्सरसाइज घर में करें, घर के बाहर करें, व्यायाम करें, छोटी सी सूक्ष्म व्यायाम, जैसे हमें पता चला कि सूक्ष्म व्यायाम से हम अपने दिनचर्या को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप सूक्ष्म व्यायाम करें, गेम खेलें, लेकिन अपनी सेहत को फिट रखने के लिए ये सब एक्सरसाइज, गेम्स, सूक्ष्म व्यायाम, योग करते रहें। सर, आपको योग करते हुए कितने साल हो गए? ना सिर्फ योग बल्कि आप मॉर्निंग स्टार 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के मेंबर हैं, कितने साल से इस क्लब के मेंबर हैं और क्या क्या इस क्लब के लिए करते हैं? 15 साल से मैडम है, और हम यहाँ समय समय पर कैंप भी लगाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, योग के लिए बाहर भी जाते हैं, कहीं पर भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई धार्मिक एक्टिविटी होती है उसमें सब में भाग लेते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करते हैं योगा के लिए। यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग भी योगा कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, योग में बुजुर्ग भी एक सहज योग सूक्ष्म योग कर सकते हैं, उनके लिए भी है, और जो बच्चे हैं यहाँ बच्चे भी आते हैं हमारे इसमें मॉर्निंग स्टार में, काफ़ी महिलाएं भी हैं जो अलग से योग करती हैं। सर, योग करने के जो शुरुआती नियम होते हैं, जैसे कहते हैं कि अगर हम सुबह बेड से उठे हैं और योग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे उस दौरान उस बीच में हम क्या कुछ ले सकते हैं, चाय पानी कुछ भी ऐसा? चाय तो नहीं, पानी सुबह खाली पेट उठें, 4 बजे उठें, उठ के 2-3 गिलास पानी पिएं, पानी पीने के बाद फ्रेश होकर फिर आप आ जाते हैं 5 बजे के लगभग, और शुरू में जो लोग शुरू करते हैं सबसे पहले वो सूक्ष्म योग हल्का योग करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, एक एक्सरसाइज को किसी भी योग की क्रिया को 20 से 30 बार करते हैं, जैसे जैसे स्टेमिना बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसको बढ़ा देते हैं। सूक्ष्म क्रियाएँ क्या होंगी सर? सूक्ष्म क्रियाएँ जैसे अलोम विलोम, कपालभाति है, और दूसरे छोटे योग हैं जिनमें थोड़ा जोर कम लगे शुरू में, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका स्टेमिना बढ़ता जाता है योग की क्रिया को बढ़ाते हैं। आपने बताया अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब जो है वो कितने मिनट स्टार्टिंग में स्टार्ट करें? स्टार्टिंग में वो 12 बार करें, 1 मिनट में 12 स्ट्रोक करें, और 5 मिनट तक करें, 60 स्ट्रोक से ज़्यादा ना करें शुरू में, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ा लें जैसे जैसे उसको। अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कमर में दर्द है या फिर माइग्रेन प्रॉब्लम है या कोई भी इस तरह की दर्द वाली प्रॉब्लम है, उसमें योग कितना इफेक्टिव है या उसमें हम योग को किस तरह से अपनाएं? उसमें योग जैसे किसी को कमर में दर्द है तो उसका आगे जो झुकने वाले योग की क्रियाएं वो नहीं करेंगे, उसके माइग्रेन में जो माइग्रेन को उसको साइड इफेक्ट करती हैं वो क्रियाएँ उसके लिए मना रखेंगे, जिस क्रिया से उसका लाभ होगा वही क्रियाएँ करें, सभी योग सभी के लिए नहीं। योग करने से पहले कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम जो है कि हमारे हेल्थ इश्यूज हैं तो हम किस क्रिया को करें किस क्रिया को ना करें, ये हमें पहले एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी। और हमारे में जैसे अपने त्यागी जी हैं और कई लोग ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ये ध्यान रखते हैं कि किसी को या पहले पूछ लिया जाता है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो जैसी उसकी प्रॉब्लम है उसी के अनुसार उससे योग कराया जाता है। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से योग करने के नियम होते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं से हम अपने योग को स्टार्ट कर सकते हैं,
और अगर किसी को हेल्थ इश्यूज है तो वो एक बार अपने योग जो गाइडलाइन देते हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे जान सकते हैं कि प्रारंभ का योग हम किस तरह से करें अगर हेल्थ प्रॉब्लम है। वरना योग से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, योग सेहत को बेटर ही बनाता है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज है तो वो उस इश्यूज को सॉल्व ही करता है। हर तरह के सर व्यायाम बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते हैं, तो क्या इसीलिए बड़े बुजुर्ग योग की तरफ जा रहे हैं और टीनएजर से यूथ जो है हमारा जिम की तरफ जा रहा है? हाँ, ये बात तो सही है कि बुजुर्गों के बस की बात नहीं है कि वो शारीरिक व्यायाम करें, स्ट्रेचिंग करें। उनके लिए योग दी बेस्ट है। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, और यूथ है जो अपना जिम की तरफ जा रहा है, एक्सरसाइज की तरफ जा रहा है, वो फिजिकल अपने आप को जैसे मर्जी मोड़ तोड़ सकते हैं। यही कारण है। प्रकृति ने हमें इतनी अनमोल चीजें दी हैं, जिसका अगर हम फायदा उठाएं, तो हम अपने आप को कई सालों तक जवान बनाए रख सकते हैं। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी ने लोगों से जीवन जीने की रफ्तार को ही धीमा कर दिया है। नतीजा, हम बड़े बुजुर्ग तो पार्क में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन टीनेजर्स और यूथ ज्यादातर जिम में ही नजर आएंगे। तो आज के एपिसोड में आपने जाना कि खुद को फिट रखने के लिए खुले वातावरण में व्यायाम करना, योग करना अच्छी सेहत के लिए कितना जरूरी है। और शायद कई वजहों में एक वजह यह भी जानी जाती है कि खुले वातावरण में व्यायाम के फायदे को देखते हुए आजकल पार्क में हमें ओपन जिम देखने को मिल जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात सेहत की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राखी खोसला को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए इंडिया 91 न्यूज चैनल के साथ।